अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्पेक्ट्रा, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन। देखते हैं पहले ये चीज क्या है, ये भारी भरकम सा नाम कहना क्या चाहता है। नाम जितना भारी है कॉन्सेप्ट उतना ही हल्का है, ठीक है। ठीक है, स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये क्या था एक्चुअल में, स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है, ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं ये चीज क्या है। तो हुआ क्या कि एक डब्बे में हाइड्रोजन गैस को लिया गया, इसमें हाइड्रोजन गैस में हमने भर लिया, और इसके में क्या किया हम लोगों ने कि इसके ऊपर से लाइट पास करा दी, इसके थ्रू लाइट पास करा दी हमने, ठीक है। चलो पास करा दिया भाई, कोई समस्या नहीं है अपने को। कौन सी लाइट पास कराई? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब क्या हुआ कि व्हाइट लाइट, हमें पता है कि व्हाइट लाइट क्या होता है, सेवन जो अपने पास कलर होते हैं, सेवन कलर का कंपोजिशन होता है, इसमें सातों कलर होते हैं। और एक्चुअल में व्हाइट लाइट का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा रेंज लाइट का, जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म में मैंने आपको बता दिया कि व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। सर अभी फिजिक्स की क्लास थी ना बेटा, बताया तो शेड्यूल आपके पास आया होगा ना अभी मैसेज सौरभ सर का, वो कुछ इशू था इस वजह से क्लास एक्सचेंज हुई है, ठीक है। चलो इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाइट लाइट क्या किया गया, इस हाइड्रोजन गैस से पास कराया गया। जब हाइड्रोजन गैस से पास कराया गया तो हुआ क्या एक्चुअल में, तो देखा क्या गया कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस से पास कराया जा रहा है, इसको हाइड्रोजन गैस से पास कराया गया, फिर एक प्रिज्म लगा दिया गया। चलो भाई ये भाई साहब यहाँ से गए, जाते हुए इस प्रिज्म पे टकराया, और प्रिज्म का काम तो हमको बचपन से पता है सर, प्रिज्म क्या करता है, लाइट के सारे कंपोनेंट को अलग अलग ब्रेक कर देता है। तो इस प्रिज्म ने क्या कर दिया, सारे कंपोनेंट को अलग अलग ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया, विबग्योर के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे ही इस लाइट, जैसे ही इस प्रिज्म ने इनके वेवलेंथ को ब्रेक किया अलग अलग सारे 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 कलर्स में इसने ब्रेक कर दिया, तो एक बड़ी अजीब सी, बड़ी स्पेशल सी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी उसको ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि इस प्लेट को, इस लाइन को देखा गया तो समझो ऐसे कि ये दिखता कैसा है, रेनबो जैसा, रेनबो ही है ना ये, और तो कुछ है नहीं। तो जो रेनबो है उस रेनबो को समझ लो ऐसा कि उसमें बीच बीच में ब्लैक लाइन्स थी। ऐसा समझ लो कि एक ऐसा हमको रेनबो दिख रहा है जो रेनबो कंटिन्यूस नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ये सारे कलर्स कंटिन्यूस हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो है ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस उसमें ऐसा है ना कि कलर चल रहा है बीच में एक ब्लैक लाइन आ गई है, फिर कलर है फिर बीच में एक ब्लैक लाइन आ गई है। मतलब समझो अगर इसको मैं स्ट्रिप पे बनाता हूँ तो कुछ कहानी देखो ऐसी देखने को मिली। ये सारे कलर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, वी से लेके रेड तक वेवलेंथ अपने बढ़े जा रहा है, और बीच बीच में कहीं कहीं ब्लैक लाइंस हैं, और इन ब्लैक लाइंस के पैटर्न को देखना मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। पैटर्न क्या है देखो, इसको ध्यान से देखो, इसका पैटर्न क्या है। शुरू में ये ब्लैक लाइंस पास पास में है, बाद में ब्लैक लाइंस भी होता है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रही है। मतलब ऐसा है कि हमारे पास एक इंद्रधनुष दिख रहा है जिसमें बीच बीच में काला काला धब्बा है, काला काला लाइन है, ठीक है। अब काले लाइन का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि ब्लैक कोई कलर तो नहीं है। ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में वहां पे कोई कलर ही नहीं है, एक्चुअल में वहां पे कोई वेवलेंथ ही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो 400 नैनोमीटर था वेवलेंथ, इसका होता है लगभग 400 नैनोमीटर, इसका होता है लगभग 700 नैनोमीटर, इनका वेवलेंथ है लाइट का, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने एज ए डेटा वाइज बता दिया है। तो इस रेंज में, इस वेवलेंथ के रेंज में एक दो जगह ऐसा था, या कुछ जगह, एक दो से ज्यादा जगह बोल सकते हो कि ऐसे जगह थे जहां पे हमें ब्लैक लाइंस देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पे जो भी लाइट का करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ था, जो भी लाइट का करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ था, वो वहां आ ही नहीं रहा था, वो वहां से गायब हो चुका था, वो वहां प्रेजेंट नहीं था। मतलब ऐसे कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन नालायक ने उस करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के साथ कुछ तो कर दिया जिस वजह से वो वहां से गायब हो गया, कह सकते हैं, चलेगा। मान लो कि ये वाला जो जहां ब्लैक लाइन है, यहाँ पे पहले जो लाइट आती थी उसकी वेवलेंथ मान लो थी 620 नैनोमीटर, फॉर टाइमिंग मान लिया 620 नैनोमीटर थी, अब दिख ही नहीं रहा, वो गायब हो गया। मतलब 620 नैनोमीटर का जो वेव था या जो फोटोन था, उस फोटोन को वहां से गायब कर दिया गया। सेम कहानी यहाँ पे मान लो कुछ था, ये 450 था,
ये 250 था, ये 300, ये 250 था, ये 180 था, ऐसे कुछ करके था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्पेक्टिव वेवलेंथ वाले फोटोन थे, यहाँ 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 वाले, वो गायब हो गए। समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को समस्या आया कि सर समझ में नहीं आया कि हुआ क्या? लाइट गई, सेवन एक कलर्स, बार हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें सेवन कलर्स थे, गई प्रिज्म से पास हुई, ये अपने को विब्योर मिलना चाहिए था जो कि मिला भी, मतलब सातों कलर यहाँ मिल गए प्रिज्म से, व्हाइट लाइट को पास कराओ सातों कलर मिलेंगे, मिली। सर हाँ बोलो। उल्टे सीरीज में रहता है, विबग्योर में नहीं रहता है, उल्टे सीरीज में रहता है, आर ऊपर वी वी नीचे। बेटा मेरे, मैं उस सीक्वेंस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुझे, मैं मेरी बात समझ में क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है? ये बनाने का रीजन क्या है? देखो एक्चुअल में क्या सीन था, एक्चुअल में सीन ऐसा था कि जब विबग्योर को बनाया गया था, जब तुम देखते हो ना तो तुम्हें उल्टा दिखता है। क्यों तुम्हें देखते वक्त उल्टा दिखता है? इसलिए तुम्हें देखते वक्त उल्टा दिखता है बेटा, क्योंकि जैसे विबग्योर बनता है हम उसको अपोजिट डायरेक्शन से देख रहे होते हैं। एक बात बताओ, इस चीज को तू ऐसे खड़ा होके देखेगा बेटा तो तुझे क्या दिखेगा, ये बता। रेड ऊपर दिखे, मतलब थोड़ा उधर बन गया, ठीक है, आई डोंट नो किसने बोला ये, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ कौन बोला था ये क्वेश्चन, किसका था? जिसका भी था, उसने क्या किया, उल्टा वो खड़ा हो गया। तो बेटा बता, उल्टा जब खड़ा हो जाएगा तो तुझे क्या दिखेगा, रेड ऊपर दिखेगा या ब्लू ऊपर, ये वायलेट ऊपर दिखेगा, जल्दी बताओ फटाफट। सर पहले सर दुखाएगा। अरे नालायक, चल ठीक है, मैं तेरे पैर बांध के उल्टा टांग दिया, ठीक है? अब बता मुझे कि क्या दिखेगा, पहले वॉयलेट दिखेगा, पहले रेड दिखेगा, पहले ऊपर में रेड दिखेगा ना? अब पैर दुखाएगा। ए नलायक तू चुप रह, ये बता कि दिखेगा क्या, वॉयलेट या रेड? तो अपने को पता है कि अपने पास क्या दिखेगा, रेड, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहे हो। मैंने ये सीक्वेंस क्यों बनाया, इस पे बात करते हैं कि ये सीक्वेंस क्यों था। ये सीक्वेंस मैंने फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बनाया, याद हो तो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे ऊपर में अपने पास कौन होता है, सबसे ऊपर में रेज की पूरी, जितनी भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अगर हम रेंज की बात करें तो उस पूरे रेंज में सबसे ऊपर में कौन आ रहा होता है अपने पास, गामा रे। गामा के बाद कौन आ रहा होता है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, फिर आपका आता है विजिबल रेंज। ये जो विजिबल रेंज है, इस विजिबल रेंज में सबसे ऊपर कौन आता है, वायलेट, सबसे नीचे कौन आता है, रेड। तो हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, अगर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो अपने को दिखता है कि वी ऊपर में आ रहा है और आर नीचे में आ रहा है, डन है? अब उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस बात पे मत जाना कि सर आपने ये बनाया ऐसे तो ऊपर रेड नीचे वायलेट होना चाहिए, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब इस पे बात करते हैं, अपने पास ये जो रेंज जो अपने को देखने को मिली, ये जो लाइंस देखने को मिली, इन लाइंस के बारे में बात करते हैं। ये जो लाइंस अपने को देखने को मिली, इनमें ऐसा सीन था कि कुछ लाइंस जो थी वो गायब थी, और उसमें भी ऐसा था कि शुरू शुरू में जो लाइंस थी वो काफी पास पास में थी, जो अपने को ब्लैक दिखती थी, और बाद में उनके बीच में गैप जो थे वो बढ़ गए। मतलब यहाँ पे ये जो लाइंस थी ये पास पास में थी और बाद में ये जो गैप्स थे वो बढ़ गए। मतलब क्या हुआ इन ब्लैक लाइंस का, इन ब्लैक लाइंस का मतलब ये हुआ कि उस जगह पे उस रेस्पेक्ट का जो भी फोटोन था, जिसकी फ्रिक्वेंसी उतनी थी या जिसका वेवलेंथ उतना था, वो फोटोन वहां से गायब हो गया। और वो फोटोन गया कहाँ है, इस नालायक हाइड्रोजन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है? इस नालायक हाइड्रोजन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से वो फोटोन अपने को यहाँ नहीं दिख रहा है और वहां ब्लैक लाइंस दिख रही है। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को, ये जो स्पेक्ट्रम बना है, इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से क्या मतलब, क्या आप कहना क्या चाहते हो, क्यों पढ़ा रहे हो इसका, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पूरा का पूरा जो आपके पास बोर्स मॉडल है, जो बोर्स आपका पूरा रिसर्च है, वो इसी स्पेक्ट्रम पे ही बेस्ड है। अब वो कैसे, उस पर बात करेंगे। चलो ये हो गया आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जस्ट इसके अपोजिट में बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा, कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या चीज थी। बेटा आपको नोट्स आज मिल जाएंगे, चलो ठीक है मैं नोट्स पे लास्ट में बात करता हूँ, नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, मतलब क्लास खत्म होने के 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? ओके चलो अब बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या चीज था। तो इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो कुछ नहीं है, सारी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, बस ऐसे समझ लो कि ये कहानी होने के बाद मैंने इस व्हाइट लाइट को यहां से जाना बंद कर दिया।
अब जैसे ही ये व्हाइट लाइट यहाँ से पास होनी बंद हो गई तो अपने को ये स्पेक्ट्रम नहीं दिखना चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए था, बट एक्चुअल में देखने को क्या मिला अपने को कि यहाँ जहां जहां पे पहले से ब्लैक लाइंस थी वहां पे जो एक्सपेक्टेड कलर पहले आना चाहिए था, मान लो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइन होना चाहिए था फॉर टाइम बिंग, मान लो यहाँ ऑरेंज होना चाहिए था, तो ऑरेंज जो पहले नहीं था यहाँ ब्लैक हो चुका था, अब हो गया क्या कि ब्लैक के जगह पे ऑरेंज दिखने लगा और किसी जगह पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब क्या हुआ कि जो जो फोटोन यहाँ एब्जॉर्ब हुआ था वो सारा फोटोन यहाँ पे एमिट हो गया, कब, जब इस लाइट को बंद कर दिया गया तब। अब क्या चीज है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उस पे आते हैं, बट ये दोनों कहानी क्लियर है तो बताओ फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सेकेंड केस क्या हुआ, इमिशन में क्या हुआ, पहला था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा था एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन में क्या हुआ भाई साहब, तो हुआ ये कि पहले जो जो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई थी, जो जो वेवलेंथ यहाँ से गायब हो गए थे, वो सारे वेवलेंथ वापस चले आए हैं, और जहां जहां अपने को लाइट दिखती थी वहां वहां दिखना बंद हो गया, और जहां जहां पहले से दिखना बंद था वहां वहां लाइट दिखनी शुरू हो गई। कब, जब लाइट ऑफ कर दिया गया तो अपने को दिखा एमिशन स्पेक्ट्रा, जब लाइट थी तो अपने को दिख रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर खोपड़ी में नहीं गया, बाउंसर चला गया है। बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, फटाफट बोलो कि सर समझ में नहीं आया चीजें। ओके सर, हाइड्रोजन स्पेसिफिक वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल। हाइड्रोजन ने क्या किया, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब किया, या ऐसे बोल लो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ के ही फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इसमें किसी को समस्या है कोई, H2 से ही क्यों, उस पर भी आता हूं कि हाइड्रोजन में ही ये काम सारे काम क्यों किए गए। यहां तक क्लियर है सबको, कोई ऐसी जनता जिसके खोपड़ी में नहीं गए हो, सर पता नहीं क्या जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला तो क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, इससे आपको क्या समझ में आया, हमको कुछ समझ में नहीं आया कि इसका अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेना देना क्या था, बोर साहब कहते हैं जो रदरफोर्ड साहब में कमी थी कहने में, वो बोर साहब कहते हैं, बोर साहब कहते हैं कि सर देखो ऐसा है कि ये स्पेक्ट्रा हमें ये बताता है, पहले तो हमें ये पता है कि फोटोन जो है, इस स्पेक्ट्रा को होने से पहले तक ये पता था कि फोटोन जो है उसके पास पार्टिकल नेचर आ चुका है, मतलब फोटोन में पार्टिकल नेचर होता है, ये अपने को पता चल चुका था, आइंस्टीन साहब भी अपना ज्ञान देके जा चुके थे, ठीक है। अब उसके बाद बात ये होती है कि सर ठीक है बोर, फिर इसका बोर से क्या लेना, तो बोर से लेना देना ये था कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट के वजह से बिल्कुल नया मॉडल की तरफ पूरी रिसर्च चली गई, वो नई मॉडल, वो कुछ स्टेटमेंट ऐसा था, किसी भी एटम में जो गिवन ऑर्बिट्स होते हैं, जो गिवन सेल होते हैं, सेल और ऑर्बिट सेम चीज है, पहले उसको शेल बोलते थे बाद में ऑर्बिट बोलने लगे, तो जो गिवन ऑर्बिट है या जो गिवन सेल है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, और इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में कि जब हम उसको लाइट पास करा रहे हैं, हाइड्रोजन में जब हम लाइट पास करा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है कि उन दो ऑर्बिट में जो एनर्जी डिफरेंस है उस डिफरेंस के एग्जैक्ट बराबर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जा रहा है। कहानी समझ में नहीं आया, यहां मैं फटाफट बताता हूं कि क्या चीज है, ठीक है। देखो बोर साहब कहते हैं कि क्या हुआ है कि जो एटम है, एटम में ना सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि उनका पाथ फिक्स्ड है, उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, जैसे अर्थ जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट का मतलब कभी भी ये नहीं होता बेटा कि वो एटम में कोई वेव बना हुआ है, कोई रास्ता बना हुआ है, रोड बना हुआ है, नहीं भैया, अर्थ जिस पे घूमती है कोई रोड नहीं है, कोई रेल नहीं है जिस पे घूमती है, बस वो फोर्स के अकॉर्डिंग एक डिफाइंड ऑर्बिट है, किसी पे चलेगी। किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें कितनों में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो डिफाइंड है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो बोला गया कि कोई भी जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो मान लो इसकी एनर्जी है -13.6 और इसकी एनर्जी है -10.2, माइनस में चलो प्लस में भी तुम चाहो तो ले सकते हो, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 और इसका है -10.2, सर माइनस क्यों लिया प्लस क्यों लिया, मेरी मर्जी भी ले रहा हूँ, ठीक है, तुम दिल पे मत लेना इसको, सर माइनस क्यों ले रहे हो, ठीक है।
तो बोला गया कि इस स्पेक्ट्रम में एक्चुअल में हुआ क्या ना सर, कि जब आप इसमें फोटोन डाल रहे हो ना, तो ये फोटोन से हो क्या रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है कि एक ऐसे फोटोन को, ध्यान देना मैंने क्या बोला, एक ऐसे फोटोन को एब्जॉर्ब किया जिसकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर थी। इन दोनों ऑर्बिट के बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो कितना है भैया, 13.6 माइनस 10.2 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 10.2 3.4, माय बैड, ये 3.4 लो, ठीक है, तो 13.6 माइनस 3.4 ये कितना हो जाएगा 10.2। तो इन दोनों ऑर्बिट के बीच की एनर्जी कितनी डिफरेंस है, 10.2। मतलब ये क्या करेगा हाइड्रोजन एटम कि इस फोटोन से कौन से फोटोन जिसकी एनर्जी 10.2 जूल है, उस फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के भेज देगा अपने फर्स्ट ऑर्बिट में। मतलब क्या हुआ कि एटम जो है वो सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिस फोटोन की एनर्जी दो ऑर्बिट के एनर्जी गैप के बराबर हो, ना ही उससे 1% कम हो, ना ही उससे 0.5% ज्यादा हो, एग्जैक्टली दोनों एनर्जी गैप के, दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप के बराबर का जो फोटोन होगा, जिसकी एनर्जी उस एनर्जी गैप के बराबर होगी, उसी को एब्जॉर्ब करेगा और किसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यही हुआ यहाँ पे, क्या हुआ कि वही लाइंस गायब हुई थी जिन फोटोन्स में उतनी ही एनर्जी थी जितनी किसी भी दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी हो सकती है। वहां से वो इलेक्ट्रॉन उठा, उस ऑर्बिट में चला गया, उस वाले फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। बाद में एमिशन में क्या हुआ कि वो वापस यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, या जो भी गिवन ऑर्बिट में था वहां वाला इलेक्ट्रॉन वापस पुराने वाले में चला गया और जिस एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था उसे एनर्जी का फोटोन उसने वापस कर दिया। ये समझ आया पूरी कहानी, फटाफट बताओ सर, खोपड़े में नहीं गया, फटाफट में रिपीट करो इसको, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? अच्छा रिपीट करूं मैं, चलो ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। ये अपने को पता चल गया कि ये कुछ खास फोटोन ही थे जिसको हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किया था, या कुछ खास फोटोन ही थे जिसको हाइड्रोजन ने रिलीज कर दिया था, एब्जॉर्ब किया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, रिलीज किया था एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब बात ये आती है कि वो खास फोटोन कौन थे, तो बोर साहब कहते हैं कि कोई भी एटम में जो ऑर्बिट्स हैं वो एक फिक्स जगह है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, उस ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होगी, तो कोई भी एटम उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी दो ऑर्बिट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, ताकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सके। ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है -3.4, नीचे वाले कितनी है -13.6, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 10.2। तो 10.2 जो है, ये देखो ये 10.2 जो डिफरेंस है, ये 10.2 जूल का ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बट फॉर टाइमिंग मान लिया कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, हटाओ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर किसी फोटोन के पास है तो उस फोटोन को यह हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा और वो फोटोन अपने को यहां नहीं दिखेगा। लेकिन इस 10.2 से ना किसी कम एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही इससे किसी ज्यादा एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और चूंकि ये 10.2 वाला एब्जॉर्ब कर चुका, और मान लो कि ये जो वाला था वेवलेंथ, इसका एनर्जी था 10.2, तो ये यहाँ से, अब ये यहाँ पे जो पहले कलर दिखता था वो वहां पे क्या दिखने लगा, ब्लैक लाइन। और इससे ये पता चल गया कि किसी भी एक थ्योरी दे दी गई इससे कि भैया किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया, ये हाइपोथेसिस दी गई। सही है गलत है इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। अब बताओ यहां तक किसी को समस्या है कि सर खोपड़ी में नहीं गया, फिर से बताओ क्या हुआ, ये लाइंस क्यों मिली? बेटा अभी क्लियर है, फिर से रिपीट करने की जरूरत है? देखो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है अब आ गया, फाइन, ओके। कोई तो बोल रहा है कि सर इसका प्रूफ, देखो इसका मैंने आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था उस समय बोला था, ये पूरी कहानी चलती है ऑब्जर्वेशन पे, कि जो हमने ऑब्जर्व किया उसी के अकॉर्डिंग बताया कि देखो ऐसा हुआ होगा,
हुआ है कि नहीं हुआ ये किसी को पता नहीं है, हुआ होगा उसी पे सारी कहानी है। ठीक है, चलेगा यहां तक, किसी को समस्या है यहां तक में? सर खोपड़ी में नहीं जा रहा है, नोबल बाउंसर जा चुका है अपना। चलो ठीक है, तो यहां तक अपने को पता चल चुका है कि बोर साहब को ये तो पता चल गया कि देखो हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो डिस्टिंक्ट है, उसके अकॉर्डिंग पता चल गया कि भाई साहब एटम में जो है, जो रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए थे वो बोर साहब बता गए कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है और इलेक्ट्रॉन जो भी उस ऑर्बिट में घूमता है वो फिक्स एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, चाहे वो ऊपर जाता हो चाहे वो नीचे आता हो। दूसरी चीज कि ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नीचे जाएगा तो ऑब्वियस एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये ऑब्वियस क्यों है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ देना, आगे समझा दूंगा मैं एक बार फिर से कि ऑब्वियस क्यों है। ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नीचे जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। यहां तक कोई समस्या है किसी को? मिटाऊं इसको? सारी जनता से पूछ रहा हूं भाई मिटाऊं इसको। सारी जनता बता दो भाई, चलो ठीक है, तो मैं इस कहानी को मिटाता हूं और इस कहानी से जुड़े एक और मैथमेटिकल टर्म पे आता हूं कि वो मैथमेटिकल टर्म क्या था। ऑब्जर्वेशन तो समझ में आ गया कि सर ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और इससे एक हाइपोथेसिस भी बन गई कि ऐसा हो सकता है अंदर में होगा। मैंने इस डायग्राम को नहीं मिटाया, ठीक है। अब क्या है ना कि हमारे पास यार बहुत सारे गणितज्ञ होते हैं, ठीक है, गणितज्ञ लोग और खतरनाक होते हैं, उनको कोई भी कहीं पैटर्न दिख जाता है ना तो वो चलते हैं उस पर रिसर्च करने के लिए। चलो यार दिख गया ना, इस पर पक्का रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से निकालते हैं क्या कि इस पैटर्न में क्या है। तो कुछ गणितज्ञ ज्ञानी लोगों ने बोला कि यार ये जितने फोटोन गायब हुए ना, इनका वेवलेंथ का मैं इन सारे वेवलेंथ का ना रिलेशन निकालना चाहता हूँ कि आखिर जितने गायब हुए उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है या ऐसे रैंडमली गायब हो गए। क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। उन लोगों ने क्या किया कि जितने फोटोन, जिस जिस वेवलेंथ के फोटोन गायब हुए थे उन सबको उन लोगों ने क्या किया, सोचा कि क्या हम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में फिट कर सकते हैं कि अपने को पता चल जाए कि कौन कौन गायब हो रहा है कौन कौन रह रहा है। तो उनका ये जो भी रिसर्च था वो रिसर्च सक्सेसफुल हुआ और उन लोगों ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया जो बताता था इन सारे के सारे वेवलेंथ के बीच का रिलेशन, जो जो वेवलेंथ गायब हुआ था, जो जो वेवलेंथ वहां नहीं दिखता था उनके बीच का एक रिलेशन बताता है। बात करते हैं वो रिलेशन क्या था। वो रिलेशन कुछ ऐसा था, 1/λ इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10^7 1/(n1)² -1/(n2)² लास्ट तक नहीं दिख रहा क्या? कोई उधर थोड़ा सा करता हूं मैं, हाँ ठीक है। रिलेशन क्या था, 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10^7 1/(n1)² -1/(n2)², ठीक है। क्या बोल रहे भाई, चलो ठीक है ठीक है ओके। तो 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10^7 1/(n1)² 1/(n2)² अब क्या है 1/ ये सारे क्या है, फर्जी से टर्म यूज किए सर आपने। ये लेमडा है, कोई भी जो भी यहाँ लेमडा दिखा उस किसी भी लेमडा के लिए ये लेमडा लिखा गया, जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन में जो गायब और एमिशन में जो दिखा था उनका लेमडा है। 1.09 कोई एक नंबर है, इंटू 10^7 कोई एक नंबर है। ये n1 और n2 क्या है, तो n1 और n2 जो थे, ये n1 या ये जो n2 है, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि जो जो वेवलेंथ यहां गायब हुआ था उन वेवलेंथ को, जो जो वेवलेंथ यहां गायब हुआ था उनकी वैल्यूज को अगर तुम यहां पुट करोगे तो ये वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी और उसके लिए ये फिक्स्ड n1 और n2 आएगा, मतलब कोई ना कोई नेचुरल नंबर पक्का रहा होगा। मतलब 1, 2 यहां रखो, ऐसे करो 1 और 2 रखो, जो वैल्यू आएगी वो एक लेमडा यहाँ मिलेगा। 2 और 3 रखो, वो एक लेमडा यहाँ मिलेगा। 1 और 3 रखो, वो एक लेमडा यहाँ मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो जो नेचुरल नंबर तुम पुट करते जाओ उसके लिए जो भी ये लेमडा आ रहा है वो यहाँ से गायब था। भेजे में गया, क्या हुआ, इस फॉर्मूले में n1 n2 के जगह पे रख दो नेचुरल नंबर,
एक या एक से ऊपर कोई भी, ठीक है। आपको ये बोल सकता है सर माइनस करें नेगेटिव आ गया तो बेटा इतना सा ध्यान रखना कि अगर आप ये देख रहे हो तो आप बस ये कोशिश करना कि N2 बड़ा हो और N1 छोटा हो, ठीक है। N2 बड़ा और N1 छोटा पुट करना, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, उसके लिए जो भी लैम्डा तुमको मिलेगा वो लैम्डा तुमको यहाँ पे गायब हुआ दिख रहा था, यही रिलेशन दिखा था उस स्पेक्ट्रम में, और इस रिलेशन ने पूरी की पूरी एटॉमिक थियोरी ही बदल दी। ये रिलेशन क्लियर है, ये समझ में आ गया क्या चीज है? एक बार बता दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। इस इक्वेशन में N1 और N2 की वैल्यू पुट करो, N1 और N2 की वैल्यू क्या पुट करोगे? कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, एक या एक से ऊपर का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, दोनों में से किसी जगह पुट कर दो। बस ये ध्यान रखो कि N2 वाला जो बड़ा हो N1 छोटा। मान लो फॉर अ टाइमिंग मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यहाँ 4 और यहाँ 2 जो रखा, तो उसके बाद जो भी ये वैल्यूज कट कुटा के आने वाली थी, जो भी ये सॉल्व होके आता, उसके लिए जो भी लैम्डा आता वो लैम्डा यहाँ गायब था। मेरा मन किया यहाँ पे 2 और 1 रख दूं, मेरा मन किया यहाँ पे 4 और 8, यहाँ पे मैं 8 और यहाँ पे 2 रख दूं, कोई भी दो नेचुरल नंबर जिसमें ये बड़ा हो ये छोटा हो, जो भी लैम्डा तुमको दिखता उसके लिए वो लैम्डा यहाँ से गैप था, और यही सारे लैम्डा के बीच में रिलेशन था। क्लियर है? यस सर। सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, क्लियर है कि अभी बाउंसर नोबल चला गया है? तो ये फॉर्मूला आने का सिंपल सा था ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं किया गया, सारे लैम्डा को ऑब्जर्व किया गया और उससे ये फॉर्मूला डिराइव किया गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये जो टर्म है, ये जो 1.09 × 10^7 देख रहे हो, इसको शॉर्ट में अपन मतलब थोड़ा सा इसको राउंड वैल्यू करके अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, 1.1 × 10^7, ये भी लिख लोगे तो कोई कष्ट नहीं है। 1.1 × 10^7 लिख सकते हो इसको, अपन जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपन यही यूज कर लेंगे, 1.1 × 10^7। और इस नंबर को एक नाम दिया गया, ये कांस्टेंट बन गया, और इस कांस्टेंट का एक नाम दिया गया, और वो नाम था, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा करामात किया, तो उन्हें ये करामात पे ये इस कांस्टेंट को नाम दे दिया गया, और इसका नाम दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका नाम दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रख दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसको डिनोट करते हैं, ये कहीं भी नंबर अगर तुमको डिनोट करना होगा तो तुम आर से डिनोट करोगे, और दो तरीके का आर पूरे केमिस्ट्री में यूज होता है एज अ कांस्टेंट, एक गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक रिडबर्ग कांस्टेंट, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों के लिए लिखते आर ही है, ये ध्यान रखना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसके जगह पे अपन क्या यूज कर लेंगे, आर, इसका नाम दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू क्या थी 1.09 × 10^7, सिंपली अपन लिखेंगे 1.1 × 10^7, चलेगा? किसी को कोई कष्ट है यहां तक? राशि बोल रही है रिडबर्ग, क्या दिक्कत है, क्या चाहती है राशि, क्या चाहती है बेटा, नाम में कोई कष्ट है सर? पता नहीं, अच्छा पहले बताया था, ओके ठीक है। तो इस कांस्टेंट का नाम दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट, चलेगा? यहां तक में किसी को समस्या है कि सर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, पता नहीं ये इक्वेशन कैसे बना, ये स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, ये वैल्यू कैसे आई, किसी को कोई समस्या है? मैं सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, किसी को समस्या है यहाँ तक? क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो बेटा आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इक्वेशन आई कैसी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इस सारे नंबर की मतलब क्या है, ये लैम्डा क्या चीज है, ये N1 और N2 क्या चीज है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, अभी बाउंसर नोबल चला गया हो? चलो अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मान लेता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। ओके चलो, इस ऑब्जर्वेशन तक बात हो गई। अब इस ऑब्जर्वेशन को बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनके साथ इसको मैच करके देखा गया कि क्या उससे इसका कोई लेना देना है, नहीं है, क्या चीज है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं,
सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट पढ़ने, बट एक्चुअल में क्या है कि ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं या पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर की थियोरी है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि हमने ऑब्जर्वेशंस क्या क्या लिए हैं। क्योंकि जब ये चैप्टर स्टार्ट होता उस समय मैंने आपको बोला था बेटा एक चीज, वो सिंपल सी चीज थी कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। मैं मार्कर लेके क्लास से बाहर निकल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फिक्स था। यही थियोरी यहाँ यूज की गई कि जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप थियोरी बना दो, ठीक है। चलो अब हुआ क्या, देखो इस टर्म पे एक बार और बात कर लेते हैं, वन बाय लैम्डा पे। ये ध्यान रखना कि बहुत बार वन बाय लैम्डा भी लिखता है, बहुत बार इसके जगह पे अगर स्टार्ट की बात याद हो तो मैंने बताया था इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। वन बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो बहुत बार देखोगे तो न्यू इनवर्स भी लिख देगा, ठीक है, या वन बाय लैम्डा लिखो, इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यूनिट इसका क्या होगा, सर वन बाय लैम्डा है मतलब क्या होगा, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। चलेगा, किसी को कोई समस्या है, यूनिट क्या रहेगा, मीटर इनवर्स। बढ़े आगे, इसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ और थ्योरीज है जिसको मैं बात कर लूं उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। यहां तक में कोई समस्या है किसी को तो फटाफट बताओ कि सर खोपड़े में नहीं गया है, बाउंसर नोबल जा चुका है। चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि किसी को समस्या नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे आता हूँ। अब देखो ये बोर साहब ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चल चुका था कि उन वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या है। उनको ये पता चल चुका था कि जो एनर्जी गैप्स आ रही हैं उन गैप्स के बीच में जो एनर्जी गैप्स अपने को देखने को मिल रही हैं उस एनर्जी गैप के एनर्जी के बराबर ही फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अगर एक बात बताओ, किसी भी केस में अगर लैम्डा कोई भी वेवलेंथ अगर अपने को पता है कि इस वेवलेंथ का फोटोन गायब हो चुका है तो इसका मतलब अपन ये जरूर बता सकते हैं ना वहां पे कि सर उस फोटोन की एनर्जी कितनी रही होगी, बता सकते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे बता सकते हैं, तो अपने को पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता कितना है, तो एस सी बाई लैम्डा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को चाहूं तो पिछले वाले इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं, और कैसे अप्लाई कर सकता हूं ध्यान देना। हमें पता है कि कौन कौन सा लैम्डा गायब हुआ था, ठीक है, आर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, यही इक्वेशन थी अपनी पिछली वाली, ठीक है। मुझे पता है कि ये वेवलेंथ जो था ये गायब हो गया था, और इसी वेवलेंथ के करिस्पोंडिंग जो फोटोन था उसी की उसकी एनर्जी जो थी वो किसी तो दो ऑर्बिट के एनर्जी गैप के बराबर थी, किसी तो दो ऑर्बिट के एनर्जी गैप के बराबर थी इस फोटोन की एनर्जी। तो पहले तो इस फोटोन की एनर्जी लिखते हैं, फोटोन की एनर्जी होती कितनी है, तो अपने को पता है एच सी बाई लैम्डा। तो अगर मैं दोनों साइड एच सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को कोई समस्या है, तो मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर एच सी वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, किसी को कोई समस्या है। मैं चाहता हूं ये निकालना कि किसी भी दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप जो होगा वो कितना होगा, कितना होगा, जितना फोटोन का एनर्जी होगा, और फोटोन का वेवलेंथ हमको पता है जो एब्जॉर्ब हुआ था वो कितना है, लैम्डा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में लैम्डा तो अपने को पता है, दोनों साइड एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो एच सी बाय लैम्डा है वो क्या आ गया, उस फोटोन की एनर्जी आ गई जो वहां पे एब्जॉर्ब हुई थी। कोई समस्या है किसी को, नहीं है। चलो मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक सेकंड रुक जाओ, ओके दो स्टूडेंट हैं बेटा, यश और अनंत, ठीक है। आप दोनों लोग जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं या जो भी यहाँ पे आप लोगों ने जिनसे बात की है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, अदरवाइज फिर वो मतलब जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है वो आपको ग्रुप से निकाल देंगे, ठीक है। तो आप जो भी रेस्पेक्टिव आपके जो भी कोऑर्डिनेटर लोग हैं आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके,
ये है आपके पास। हाँ, हम कहाँ बात कर रहे थे कि सर जो फोटोन वहां एब्जॉर्ब हुआ है उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो उस फोटोन की एनर्जी अपने को पता है कि एच सी बाय लैम्डा, जो कि इस इक्वेशन पुट कर दिया तो आर एस सी वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। अब ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये दो किसी भी दो ऑर्बिट के एनर्जी गैप के बराबर होगा, ये हम पहले थ्योरी से जान चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि एनर्जी गैप डेल्टा ई, मुझे नहीं पता कि डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ, किसी भी दो ऑर्बिट का एनर्जी गैप, मान लो जो दो ऑर्बिट थे वो दो ऑर्बिट थे ए और बी, तो ए और बी ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है इसके बराबर होगा एच सी बाई लेमडा, या ऐसे बोल लूं आर एच सी वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर होगा। तो किसी को कोई समस्या है कि दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो इतना ही होगा, फटाफट बताओ, इसमें किसी को समस्या है? सारी जनता से पूछ रहा हूं, किसी को कोई समस्या है इसमें? वन दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप जो होगा वो एच सी बाय लैम्डा, जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ उसी की एनर्जी के बराबर, और वो एनर्जी कितनी, आर एस सी वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। कोई कष्ट है किसी को? राशि बोले सर नहीं, यहां तक तो कोई कष्ट नहीं है। सिद्धांत भी बोल रहा है नहीं सर। चलो ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहां याद रखते हुए, इस थ्योरी को यहां पे कुछ देर के लिए पॉज करते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। क्यों पॉज कर रहे हैं वो आगे आएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को लेकिन ध्यान रखना जो मैंने यहां पे यूज किया है, ठीक है, आगे आ रहा हूं मैं, डन है। अब बोर साहब ने क्या किया ना कि चलो एक चीज तो बोर साहब बता दिए जो अपने पास पहले रदरफोर्ड साहब नहीं बताए, इलेक्ट्रॉन का किस ऑर्बिट में घूमेगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, कुछ नहीं बताए। बोर साहब बता दे, देखो सर ऐसा ऐसा होगा, डन। दूसरी चीज जो रदरफोर्ड साहब में सबसे बड़ी समस्या थी उस पर बात करते हैं। रदरफोर्ड साहब की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मैक्सवेल साहब का थ्योरी। मैक्सवेल साहब का थ्योरी क्या बोलता था कि सर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन दिखाएगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा ही करेगा, और जब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो उसे घूमते घूमते आ जाना चाहिए कहां, सेंटर पे। ये अपने पास किसकी थ्योरी थी? मैक्सवेल साहब की थ्योरी थी, जो बोर साहब में अनफिट हो जाती थी। क्या करते रदरफोर्ड साहब? तो रदरफोर्ड साहब ने एक एजम्पशन दे दिया। उन्होंने एजम्पशन क्या दिया, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो घूम के न्यूक्लियस में नहीं आएगा। मान लो, मैं इस पर कोई रिसर्च पे नहीं जा रहा हूं कि क्यों कैसे क्या, बस मान लो कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है वो घूमते ही रहेगा, वो कभी न्यूक्लियस में नहीं आएगा, ठीक है। अब जिन लोगों को ये समझ में आया सर मान लो, तो मानने पे तो हम कुछ भी मान लें, ठीक है, तो मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं मान लो। अब इसके आगे भी इसका एक्सप्लेनेशन आया कि वो क्यों नहीं जाएगा, तो उसका रीजन क्या था, बाद में जब आप वेव्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक टर्म है स्टैंडिंग वेव, थोड़ा सा बताता हूं, कोई इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपनी एनर्जी कभी लूज नहीं करता है, वो अपनी एनर्जी कंजर्व किए रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी ऑर्बिट में घूमता है वहां पे वो एक स्टैंडिंग वेव बनाता है। और लास्ट क्लास में अगर डी ब्रोगली साहब याद है तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन तो अपना वेव बनाएगा, वेव नेचर दिखाएगा, और जो वो वेव नेचर था वो ऐसा है जो कि एक स्टैंडिंग वेव में होता है। इस वजह से बाद में एक्सप्लेनेशन मिला कि इस वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ऑर्बिट में, वो अपनी एनर्जी लूज करके कभी भी न्यूक्लियस में नहीं आता, न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करता। और ये जो बोर साहब का एक्सप्लेनेशन था, इस एक्सप्लेनेशन ने सबसे ज्यादा चेंजेस लाए, रदरफोर्ड का जो मेजर कंसर्न था, जो सबसे बड़ी कमी थी उसको ओवरकम कर दिया, ठीक है। तो उनका स्टेटमेंट क्या था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहेगा, ठीक है, रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट विदाउट लूजिंग एनर्जी, ठीक है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया, जो बाद में आया था वो क्या था, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। उस स्टैंडिंग वेव से एक डेरिवेशन आता है, ठीक है। अब वो डेरिवेशन क्या है, मैं उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, उसके डेरिवेशन डायरेक्टली रिजल्ट पे आते हैं। उस डेरिवेशन का रिजल्ट बोलता है कि कहीं भी अगर ऐसी कहानी बनती होगी, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
किसको किसको एंगुलर मोमेंटम पता है बेटा, फटाफट बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कोई ऐसा है इसको एंगुलर मोमेंटम पता है? सर हमने कभी तो एंगुलर मोमेंटम देखा है, कभी तो पढ़ा है सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सर नहीं पता एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है चलो। नहीं पता एंगुलर मोमेंटम तो भी मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। फिजिक्स में आपकी मैकेनिक्स में कहाँ तक हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया क्या? अभी वेक्टर चल रहा है। अच्छा अभी वेक्टर चला, ठीक है कोई बात नहीं। देखो मोमेंटम पढ़े हो कि मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर पढ़ लिए हो तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा बहुत जान गए सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, देखो उसको डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। और ये होता क्या है? तो ये होता है आर क्रॉस पी, ठीक है आर क्रॉस पी। बाद में आप पढ़ोगे आर क्रॉस पी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं पढ़ोगे तो इसको सिंपली मैं अगर ऐसे लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर लेता हूँ, आर और पी जो है वो आपका नॉर्मल मोमेंटम है, इसके जगह क्या लिख सकते हो एम वी, तो ये क्या बन गया आपका एम वी आर, ये मैग्नीट्यूड में मैं बात कर रहा हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड क्या होता है एम वी आर, ठीक है। क्या होता है कैसा होता है जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम होता क्या, अपने वो काम से मतलब है कि इसका इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो लगा लेंगे अपन, ठीक है। तो बोलते क्या है बोर साहब, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। बोर साहब कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जैसे एनर्जी कंजर्व होती है ना उसी तरीके से, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे कंजर्व थी, घूम घूम के न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, स्टैंडिंग में बनाता था, इसी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। और वो रहेगा कितना, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो होगा एम वी आर ये होगा एन एच बाई टू पाई के बराबर। ये क्या क्या है यहाँ पे टर्म्स पे बात कर लेते हैं, मास है इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ मैं एम ई लिख ले रहा हूँ, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का तो वी लिख ले रहा हूँ, और रेडियस ऑर्बिट का है तो आर ओ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ, ध्यान देना, इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। यहाँ एन क्या है, सेम कहानी, ये एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ वन टू थ्री सो ऑन, ठीक है। और H जो है वो अपने को पता है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और अपने पास पाई क्या है, सर बचपन से पढ़ाया गया पाई क्या है, 22/7 पाई होता है, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आया, नहीं मतलब अपने को कैसे आया, क्या आया, क्यों हुआ, सीधा बस ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो होता क्या है एम वी आर, और एम वी आर किसके बराबर होगा एन एच बाई टू पाई के बराबर होगा। और यहाँ एन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई एक नेचुरल नंबर होगा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, टू पाई तो अपने को पता है क्या है, कांस्टेंट है। इसमें किसी को समस्या है? हाँ एंगुलर वेलोसिटी, सर एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्सिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। हाँ बेटा ठीक है, देखो चलो फिजिक्स में नहीं जा रहा, हटा इतना सब समझ लो। देखो मोमेंटम क्या होता है यार, एमवी होता है, एमवी होता है ना मोमेंटम, ठीक है, जो नॉर्मल मोमेंटम होता है। एंगुलर में बात करते हैं तो एंगुलर में जहां जहां तुम ट्रांसलेशनल मोशन में जहां मास यूज करते हो एंगुलर में, वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्सिया यूज होता है, कुछ नहीं करना है। ट्रांसलेशन मोशन में तुम क्या मास यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या यूज जाएगा, नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है एमवी, तो वहां एम की जगह क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई। और उसमें जो तुम्हारे पास वेलोसिटी होता है ट्रांसलेशन मोशन में वेलोसिटी होता है उसमें होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसके लिए क्या यूज करते हो ओमेगा, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो एल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आई ओमेगा, ये भी लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले से मतलब नहीं, अब किसी ने बोल दिया, दिशा बोल रही थी, दीक्षा बोल रही थी कि सर क्या है तो बता दिया, ठीक है। एनीवे यहां तक किसी को समस्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखो क्या है, नहीं है, क्यों है, कैसे आया, कब आया, कहाँ आया, मतलब नहीं है अपना, मतलब सिंपल सा है MVR equals to NH by 2 pi, रट्टा मार जाओ कि सर होता है MVR equals to इलेक्ट्रॉन के लिए MVR equals to NH by 2 pi होता है और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, खेल खत्म। कोई समस्या है इसमें किसी को, कोई समस्या है इसमें किसी को कि सर इलेक्ट्रॉन के साथ ये सारा का सारा कांड कर्म कैसे हो गया, नहीं समझ में आया, कोई समस्या है भैया? फिर से बोल रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सारे घोर चिंता में चले गए, सर पता नहीं क्या ही जादू हो रहा है। राशि बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है,
चलो ठीक है फाइन। तो ये कहानी थी अभी तक अपने पास बोर साहब के एजम्पशंस की, बोर साहब के ऑब्जर्वेशन की। अब इसके बाद आता है बोर साहब का नेक्स्ट स्टेप जो मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पूरी की पूरी फिजिक्स लगा दी और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता था उसका रेडियस, उसका वेलोसिटी, रेडियस वेलोसिटी, उसके बाद उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। एक ये फॉर्मूला, एक आगे और फॉर्मूला आएगा जो फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। दोनों का यूज किया गया और उन्होंने सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिए जो रदरफोर्ड साहब करने में असमर्थ थे। उनको नहीं पता था इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, किस वेलोसिटी से घूमता है, कितना घूमता है, कुछ नहीं बता पाए, जो सारा सारा कैलकुलेशन इन्होंने कर दिया। बोलो बेटा, एक एक करके बोलो क्या समस्या है बताओ, इसको मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूं। चलो तो रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि देखो ये, देखो इस कैलकुलेशन को देखना, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई ने, एडवांस ने इस कैलकुलेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। बेटा आप बुक्स में देखोगे तो आपको डायरेक्टली आपको दिख जाएगा इससे इस कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट। जैसे पिछले वाला में रिजल्ट देखा तो पिछले वाला जो था वो आपका ऐसा है कि जो कि वेव, बहुत सारे वेव को सॉल्व करने के बाद आता है, तो उसको नहीं पढ़ सकते अपन, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, वो दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, एडवांस ने बहुत बार पूछा है, बुक वाले मतलब कुछ बुक में देते हैं कुछ बुक में देते हैं, मतलब एनसीईआरटी तो नहीं दी है और अच्छे अच्छे बुक्स देखोगे तो सब में दिया रहता है, ठीक है। इस पे बात करते हैं कि बोर साहब ने रेडियस वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे की, उसका डेरिवेशन, ठीक है, ध्यान रखो। चलो अपन फटाफट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है जो घूम रहा है इस ऑर्बिट में, उन्होंने ये तो पता कर लिया था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अगर सिंगल ऑर्बिट में बात करना तो चलो सिंगल ऑर्बिट ही लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में एरिया थोड़ा चाहिए होगा, छोड़ो जो जो उसमें बड़ा तो बना दिया बट मुझे लगता है कि कम पड़ जाएगा जगह, तो यहीं पे एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, एक हाइड्रोजन का एटम ले लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा, डन है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है गोल गोल, ठीक है। उन्होंने सोचा कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है, अगर ये मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। निकालते हैं फोर्स इस पे कितना लगता है। तो अगर तुम देखोगे क्लास 12 में आपके पास आएगा बेटा एक चैप्टर, पहला ही चैप्टर है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। छोड़ दो कूलम्स लॉ क्या आता है, ऐसे समझ लो, ग्रेविटेशन पढ़े हो ना, बताओ दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, फटाफट बताओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है। सर क्या अभी बात करते हो, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, क्या बच्चे वाली चीज आप पूछते हो, सही है, ठीक है। दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, किसी को समस्या है, नहीं है। जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है किसी भी दो मास के बीच में, बिल्कुल उतना ही लगता है, उसी फॉर्मेट में लगता है, उतना नहीं, उसी फॉर्मेट में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो चार्ज के वजह से आता है। फर्क बस इतना है कि वहां जी के जगह पे एक अलग कॉन्स्टेंट यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं के, उसको बाद में 1/4πε0 भी लिखते हैं, ठीक है। आर जो है वो वही डिस्टेंस है और एम वन एम टू की जगह पे क्या है, वो दो चार्ज बॉडी जिसपे जो चार्ज गिवेन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये दो चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका मास M1 है, इसका पे Q1 और Q2 अगर चार्ज बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, तो कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में फिट कर दो। फॉर्मूला क्या मैंने बताया, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, ये एक बार और भी मैंने बताया था ये कितना होता है, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल यही फॉर्मेट है, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, दोनों पे चार्ज इनटू के डिवाइड बाय आर स्क्वायर। किसी को समस्या है इसमें, सर ये कैसा जादू लिख दिया आपने, कूलम्स लॉ से आता है। के कौन सा कांस्टेंट है बेटा, के इसको बोलते हैं, आगे आओगे जब तुम पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू कितना है सर, बेटा वैल्यू से क्या करेगा रिसर्च करके बता, इसको लिखते हैं अपन 1/4πε0 आउट ऑफ स्क्रीन, अरे यार कहां चला गया, 1/4πε0 लिखते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू पुट करता है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है।
अब बस इतना है, इस पर रिसर्च मैं नहीं करा रहा क्योंकि अपना टॉपिक यहाँ पे, ठीक है? बस ध्यान रखना 1/4πε0 इसको लिखते हैं k के जगह पे, ठीक है? चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो बेटा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऐसे है कि इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटोन के बीच में जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना था। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान रखना, इसी फोर्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के, जो कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, अपने को पता है, तो मैं ऐसे ई लिख लूं डब्बे के अंदर, क्योंकि अपने साइन की बात नहीं कर रहे, अपने को पता है अट्रैक्शन होगा, तो के इंटू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, उस पर चार्ज भी कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी होता है, तो ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसी को समस्या है इसमें, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मैं लिख दे रहा हूं, फोर्स बिटवीन प्रोटोन एंड फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का साइज सेम है? नहीं, साइज से क्या मतलब है, साइज से मतलब नहीं है ना अपने को, अपने को फोर्स किससे मतलब है, कांस्टेंट इनटू दोनों के ऊपर चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बेटा इससे साइज से मतलब होता है क्या, मास का कोई मतलब नहीं है, तुम मास इतना छोटा लो या कितना ही बड़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स जो होगा वो सिंपल किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, वॉल्यूम से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो यहां बात करते हैं, इसमें किसी को समस्या है कि सर ये कैसे लिखा, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स लिखा है मैंने, इसमें किसी को समस्या है? नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। क्लास नाइन्थ में पढ़े थे कि सर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो जो सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर होता है, याद है नाइन्थ क्लास? एमवी स्क्वायर बाय आर कभी देखे थे? हाँ सर याद है, नाइन्थ क्लास में कभी तो था सर, एमवी स्क्वायर बाय आर कभी तो मास्टर जी ने पढ़ाया था, ठीक है? तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर। किसी को कोई समस्या है इसमें? नहीं है, ठीक है। तो ये जो अब अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, देखो के ई स्क्वायर, मैं ऐसे लिखता हूँ के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आर आर कैंसिल आउट हो गया, चलेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा लिखता हूँ, के ई स्क्वायर इक्वल टू आर को इधर मैं भेज दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूं एम वी आर इंटू आर, सॉरी एम वी आर इंटू वी, एक वी को अलग कर लिया, वी स्क्वायर था तो एक वी को अलग कर लिया, एम वी आर ब्रैकेट में डाल दिया, वी अलग कर लिया और आर यहाँ लेके चला गया। इसमें किसी को समस्या है कि सर ये के ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी आर इंटू वी कैसे हो गया? सर जादू समझ में नहीं आया, ये जादू कैसे हो गया? कोई ऐसा है बेटा जिसको जादू समझ में नहीं आया कि जादू कैसे हो गया? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, चलो फाइन। अब अपने को पता है ये एम वी आर कितना होता है, जस्ट अभी पढ़े थे ना, एम वी आर कितना होता था, एन एच बाई टू पाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, के ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी आर की जगह क्या लिख सकते हो, एन एच बाई टू पाई इंटू वी आ गया। अब इस इक्वेशन को ध्यान दो, इस इक्वेशन के साथ खासियत क्या है, के एक कॉन्स्टेंट है, ई चार्ज है जो एक कॉन्स्टेंट है, एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, उसका मतलब क्या है अभी जस्ट बताता हूं, जो कि कांस्टेंट नहीं है। एच क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एन अकेला वेरिएबल है और वी वेरिएबल है। अब मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो अगर मैं एन की वैल्यू पुट करूंगा तो वी आ जाएगा, और एन होगा क्या, एन बताया गया कि एन का मतलब है ऑर्बिट नंबर, मतलब जैसे ही तुम किसी भी ऑर्बिट का नंबर पुट करोगे कि कौन सा ऑर्बिट है, फटाफट पता चल जाएगा कि उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है। क्यों, क्योंकि ये सारे ही के सारे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू हम जब भी पुट करेंगे तो हमें पता फटाफट क्या पता चल जाएगा वेलोसिटी कैसे, एन है ऑर्बिट नंबर, वी क्या है वेलोसिटी, खेल खत्म, ऑर्बिट नंबर पुट करो आपको वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिख लूँ, क्या आएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, देखो इस कुछ नहीं करना है, इन सबको उठा पटक इधर उधर कर दो, तो अपने पास वी बराबर क्या आ जाएगा, देखो टू पाई के स्क्वायर अपॉन एन एच,
किसी को कोई समस्या है इसमें, देख लो एक बार, समस्या है तो फटाफट बोलो कि सर खोपड़ी में नहीं गया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि वेलोसिटी कैसे निकाला। कोई समस्या है इसमें? अभी नहीं है। एक मॉडिफिकेशन करके बता देता हूँ, आगे वो आपके काम आएगा कैसे। अगर मान लो यहाँ प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन के बजाय अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते, एक नहीं होता, मान लो कि उसका एटॉमिक नंबर जेड था, अगर जेड होता तो क्या करते? नाइन्थ क्लास में कितना इजी था केमिस्ट्री, पक्का इजी था, मोल कॉन्सेप्ट इजी था, बिल्कुल इजी था यार, नाइन मोल कॉन्सेप्ट तो क्या ही है, बट नाइन्थ क्लास वालों के यार बहुत वो थॉट टॉर्चरस हो जाता है, ठीक है। एनीवे, अगर ये प्रोटॉन जो था, ये जो न्यूक्लियस था, इसमें एक से अधिक प्रोटॉन होते तो होता कितना है? नॉर्मली एटॉमिक नंबर जेड के बराबर, तो यहाँ पे जो तुम चार्ज पुट किए थे ई, इसके जगह क्या यूज करते हैं? जेड ई, क्योंकि जो चार्जेस होते वो क्या क्या हो जाता? जेड टाइम, तो ये जेड ई होता, तो ये सारे जगह जो ई स्क्वायर आया इसके साथ क्या लगा रहा होता? जेड लगा होता, ई स्क्वायर के साथ जेड लगा होता, मतलब अपन बात कर सकते हैं यहाँ भी जेड होता, यहाँ भी जेड होता। तो तुम चाहो तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कब? अगर वो हाइड्रोजन ना हो कि कुछ और केस हुआ, तो वहां पे इस ई स्क्वायर के आगे भी क्या लगा रहेगा? जेड लगा रहेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, जब बाद में आएंगे बात करेंगे उस पर, जब कोई हेट्रो आइटम है तो हाइड्रोजन नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, बट इस डेरिवेशन में कोई समस्या है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने को वेलोसिटी पता चल गया तो अपन रेडियस भी बता सकते हैं। कैसे रेडियस बता सकते हैं? अपने को पता है, क्या पता है? इक्वेशन पता है ना, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, तो अपने यहाँ पुट करो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। जैसे ही ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आपको क्या पता चल जाएगा? रेडियस पता चल जाएगा। फटाफट बताओ कि रेडियस कितना आएगा पुट करने के बाद, फटाफट कैलकुलेट करो, मैथमेटिकली इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस का बताओ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स, फटाफट बताइए बेटा क्या आता है। वेलोसिटी की जगह पे ये पुट कर दो वैल्यू, फटाफट आपको पता चल जाएगा कि रेडियस क्या है इन टर्म्स ऑफ एन जेड पाई के एंड आर, सॉरी इन एच। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम भी अपने पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आज का आपका गृह कार्य है, रेडियस का फॉर्मूला आप डिराइव कर लीजिएगा इस वेलोसिटी को यहाँ पुट करके। नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो रेडियस का फॉर्मूला आया था, उसके बाद एक डायरेक्ट वैल्यू। सर इतना लंबा चौड़ा पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, एग्जाम में क्या है कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको इतनी बार आपको पढ़ाया जाएगा ना, आपको याद हो जाएगा, फिजिक्स में हजार बार पढ़ोगे, पहला चैप्टर ही यही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा जादू लग रहा है, तो ये नहीं भी ध्यान रहेगा तो जो डायरेक्ट इसका रिजल्ट आता है वो बिल्कुल सिंपल सा है, उसको ध्यान रखना, आपका काम भर काम हो जाएगा। एडवांस में क्वेश्चन पूछते हैं इससे, मैं उसमें आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता, एडवांस में आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको वहाँ पे डेरिवेशन वाले काम करने पड़ेंगे। नीट और मेंस वाले तो ठीक है, शरीफ लोग हैं, चलेगा। चलो ठीक है, यहां तक किसी को समस्या है तो बोलो, वरना आज की सभा फिर अपन समाप्त करें। आज कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई? ओके, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया? आज पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और बोर साहब ने उसको कैसे यूज किया। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि उस एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से एक फॉर्मूला आया जो सारे वेवलेंथ को कोरिलेट करता था, उसके बारे में पढ़ लिया। वहां पे एक नया कांस्टेंट के बारे में जाना, आर, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते थे। और उसके बाद हम आ चुके हैं कि उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया उसमें एक्चुअल में उन्होंने कैलकुलेशन कैसे की, वेलोसिटी, रेडियस, ये सारी चीजें उन्होंने कैसे कैलकुलेट की, उस डेरिवेशन पे आ चुके हैं। यहां तक अपनी आज की क्लास है, किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, वरना अपन आज की सभा समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन, जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको मॉड्यूल भेज दिया था, तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज अपन डिस्कस भी करेंगे, इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क दोनों, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं है, फाइन। तो आज की अपन सभा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। देखो, मान सकता हूँ थोड़ा बाउंसर गया होगा, अग्री करता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, इसलिए स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर स्किप करने वाला होता तो मैं कर देता। चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीक्षा, ओके, थैंक यू, चलो थैंक यू ऑल।